नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी मोटर टॉर्शन। तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं किया सोनेट के ओनरशिप रिव्यू के बारे में। तो मेरे साथ है राजेंद्र जी, जो कि इस गाड़ी के ओनर हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अवर चैनल। थैंक यू। तो ये है किया सोनेट का HTK प्लस वेरियंट DCT। तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू से। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये कौन सा वेरिएंट और आपको कितने का ऑन रोड पड़ा? सर, ये HTK प्लस है, पेट्रोल वेरिएंट है और ये टर्बो विद ऑटोमेटिक है। 7 DCT ड्यूअल क्लच टेक्नोलॉजी है, तो ये ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरिएंट है HTK प्लस। और सर, इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चलाते थे? इससे पहले मैं i10 ग्रैंड यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो ये चलाने के बाद थोड़ा आपको अच्छा फील हो रहा है? नेचुरल है। ओके, ये उससे अलग सेगमेंट है, बिगर सेगमेंट है, तो अच्छा लग रहा है। और मेरा मेन जो मन था वो ऑटोमेटिक में आने का था। ओके, तो ऑटोमेटिक का जैसे मैंने सोचा था, तो आई एम एंजॉयिंग दैट थिंग। और आपने डेफिनेटली इस गाड़ी खरीदने से पहले कुछ और गाड़ियों के साथ ट्राई किया होगा, टेस्ट ड्राइव लिया होगा, तो आपको किया सोनेट का ही प्लान क्यों बना? एक्चुअली मैंने वेन्यू का और नेक्सन का और एक दो गाड़ियाँ और भी है, जैसे ब्रेजा का भी मैंने टेस्ट ड्राइव लिया। ओके, तो ये मुझे बेटर लगी सभी व्यूज से, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों की बात करें तो बाकी गाड़ियों से इस सेगमेंट में मुझे बहुत अच्छी लगी गाड़ी। ये मैंने इसका जो टेस्ट ड्राइव लिया था वो डीजल मॉडल का लिया था, पेट्रोल वेरियंट अवेलेबल नहीं था, पर वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर मैंने उसको ऑटोमेटिक पेट्रोल का मैंने ऑर्डर किया। ओके, तो वैसे टेस्ट ड्राइव कौन कौन सी गाड़ी का लिया था? और मैंने नेक्सन, ब्रेजा और वेन्यू। तो कुछ डिफरेंस फील हुआ था जब आपने टेस्ट ड्राइव लिया था इस गाड़ी का और बाकी गाड़ियों का? टेस्ट ड्राइव में हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी सभी गाड़ियों की अच्छी है। मेजर जो इशू है तो वो रहता है हमारा एक्सटीरियर और इंटीरियर का। यस, तो इंजन पार्ट से मैं ज़्यादा नहीं कह सकता कि बाकी गाड़ियों में कमी थी कोई, लेकिन इसका जो इंटीरियर है वो स्पेशली मुझे बड़ा पसंद आया। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आजकल सभी गाड़ियों में अच्छी टेक्नोलॉजी है और सभी गाड़ियाँ लगभग काफ़ी अच्छी चलती है। इवन वेन्यू की बात करें तो वेन्यू और किया में सेम इंजन है, सेम स्पेसिफिकेशन है, जस्ट इनका लुक और इनके जो इंटीरियर एक्सटीरियर का ही फ़र्क है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हरियाणा से हैं या सिरसा से हैं, तो आपको डीलर्स के कॉन्टैक्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी किया सोनेट, किया की कोई भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आपको बेस्ट डील और ऑफर जो है वो मिलेंगे और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। तो सर, ये बताइए कि आपको इस गाड़ी को चलाते हुए कैसा फील होता है? कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो स्मूथनेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है या गियर अटकते हैं? ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको इस गाड़ी में कैसा मिल रहा है? नहीं, बहुत अच्छा मुझे इसका एक्सपीरियंस मिला है और वेरी स्मूथ ड्राइव है इस गाड़ी का। कोई मुझे अभी तक कोई समस्या इसमें महसूस नहीं हुई। आप स्टेयरिंग वगैरह आपको कैसा लग रहा है, कि हल्का लाइट लगता है? स्टेयरिंग में मुझे थोड़ा सा लगता है, अभी जो है ना थोड़ा मुझे भारी लगता है स्टेयरिंग इसका। ओके, तो अभी वैसे मेरा 1 month भी नहीं हुआ है, तो आफ्टर 1 month फर्स्ट विजिट पे मैं डिस्कस करूँगा उनसे। स्टेयरिंग में मुझे थोड़ा महसूस होता है कि भारी है इसका। ओके, और बाकी चीज़ों की बात करें, जैसे सस्पेंशन है, आपको कभी ऐसा फील होता है कि खड्डे जो है वो ज़्यादा फील होते हैं या थोड़ी कमी है? सस्पेंशन इज़ ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। ओके, और ओवरऑल सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो सीटिंग कंफर्ट बहुत अच्छा है। जो फ्रंट स्पेस तो जो है ना बहुत बढ़िया है इसका। बैक में थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि थाई स्पेस अगर थोड़ा सा 1-2 inch और ज़्यादा होता तो दैट विल बी मोर कम्फर्टेबल। ओके, तो कलर की बात करें, आपने यही कलर क्यों चूज़ किया? क्योंकि और भी काफ़ी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है इसमें भी कि यार वाइट ले, ब्लैक ले, कौन सा कलर लिया जाए ताकि एवरग्रीन कलर भी और दिखने में भी अच्छा लगे। तो ये आई थिंक ग्रे कलर है, ग्रेविटी ग्रे कलर है। तो आपको यही कलर का डिसीजन कैसे बना? एक्चुअली ये हमारा सबका, मेरी फैमिली का जो है, बच्चों का, मैडम का और सभी का यही व्यू था कि ये कलर लिया जाए। वाइट में थोड़ा सा हमारे को कम ग्रेसफुल लगा, पर्टिकुलर किया सोनेट में। ओके, तो बाकी थोड़ा रेड और ब्लू वगैरह थोड़े से ज़्यादा ब्राइट कलर हैं, तो ये ओवरऑल मतलब अच्छा कलर लगा, सबसे बढ़िया हमें यही जचा। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए हर गाड़ी का रिव्यू लेके आए, ओनरशिप रिव्यू लेके आए, ताकि आप हमारे लिए ये 3 काम करना बिल्कुल मत भूलेगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है और हमें काफ़ी अच्छी मोटिवेशन मिलती है इसे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आपको माइलेज क्या मिल रही है इस गाड़ी से? माइलेज अभी मुझे 16-17 के आसपास मिल रहा है इसका।
अभी मेरा जब बहुत ज़्यादा नहीं चली है गाड़ी, तो अभी 16-17 मैं बोल सकता हूँ माइलेज अभी आ रहा है। ओके, और बाकी फीचर्स की बात करें, यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम का टच कैसा फील हुआ? म्यूज़िक सिस्टम का टच बहुत अच्छा है और काफ़ी फीचर्स भी इसमें काफ़ी अच्छे हैं। ओवरऑल साउंड कैसा लग रहा है? ओवरऑल साउंड बहुत ही अच्छा है। वो इसमें 6 स्पीकर्स हैं। तो बात करें कैबिन में नॉइस की, आपको इंजन की नॉइस आती है कैबिन में? इंजन की नॉइस कोई ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बिकॉज टर्बो है इसमें तो थोड़ा सा जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो थोड़ा नॉइस महसूस होता है, तो आई थिंक दैट इज़ बिकॉज ऑफ टर्बो। पर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसकी पिकअप जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। इन फ्यू सेकेंड्स इट विल रीच अप टू 60 and 70, तो दैट इज़ वेरी सुपर। ओके, आपने कभी ओवरटेक किया फैमिली के साथ जब गाड़ी आपकी पूरी लोडेड है और आपने ओवरटेक किया तो कभी? बिल्कुल, मैंने ओवरटेक किया है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसमें, क्योंकि पिकअप, जैसे मैं अभी बोला कि पिकअप इसकी बहुत अच्छी है, तो ओवरटेक बड़ा स्मूथली होता है और बड़े कॉन्फिडेंटली ओवरटेक हम कर सकते हैं इस गाड़ी में। आपने इस गाड़ी को 100+ ड्राइव किया? 100+ वन टाइम। ओके, तो आपको ओवरऑल जो नॉइस है, जो रोड साइड नॉइस आती है, आपको ऐसा फील हुआ कि ज़्यादा आती है? गाड़ी का कैबिन जो है उतना साइलेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा। करें इंटीरियर्स की, आपको इंटीरियर्स की फिट एंड फिनिश और ओवरऑल लुक डिज़ाइन कैसा लगा? इंटीरियर का फिट एंड फिनिश बहुत ही अच्छा है इसमें। बेसिकली मैंने और जो गाड़ियाँ ट्राई की तो उनमें इंटीरियर मुझे ज़्यादा बेटर नहीं लगा। क्वालिटी ऑफ इंटीरियर जो है इसमें, डैशबोर्ड की या हम बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की या एसी वेंट वगैरह जो दे रखा है, तो वो बहुत ही अच्छा लगा। और बाकी जैसे गाड़ियों में कन्वेंशनल जो है ना राउंड बटन्स होते हैं सर्कुलर वाले, इसके जो बटन्स है वो पर्टिकुलर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो मुझे जो है ना बहुत अच्छा इसमें महसूस हुआ। किस किस गाड़ी का आपने इंटीरियर देखा था और आपको मतलब उतना अच्छा नहीं लगा और फिर इसका फैसला? मैंने जैसे वेन्यू को ट्राई किया, ब्रेजा को ट्राई किया, तो उनसे मुझे इसमें काफ़ी बढ़िया लगा। ओवरऑल पॉजिटिव्स की बात करें, इस गाड़ी में आपको सबसे अच्छी चीज़ें क्या लगी? सबसे अच्छी चीज़ें मुझे, सबसे बड़ा तो पिकअप इसका अच्छा लगा। ओके, पिकअप जो है वो दैट इज़ वेरी फाइन, और इसके अलावा तो इंटीरियर जो है वो अच्छा है, स्पेस भी जो है गाड़ी में बहुत अच्छा है, और फीचर्स जो है इस सेगमेंट के हिसाब से इस गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम के भी कई फीचर्स मैंने ट्राई किए हैं, साउंड कंट्रोल वगैरह है, तो वो बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसमें। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह, तो ये सारा बढ़िया ट्रैक्शन कंट्रोल है, तो अच्छा मतलब मुझे बेटर लगा इसमें काफ़ी। ब्रेकिंग की बात करें, ब्रेकिंग आपकी कैसे आपको फील हो रहा है कि बिल्कुल टाइम पे रुक जाती है गाड़ी? बिल्कुल, ABS भी मैंने यूज़ किया है और अच्छा बढ़िया इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें, जैसे कि कुछ गाड़ियाँ चलाते हुए पता लग जाता है, डोर्स बंद करते हुए पता लग जाता है कि गाड़ी का यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, गाड़ी का जो गेट है वो काफ़ी लाइट है, तो ऐसा लग रहा है कि गाड़ी काफ़ी मतलब उतनी अच्छी बिल्ड नहीं है, तो आपको इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी? इसकी बहुत अच्छी लगी मुझे, अच्छा हैवी इसमें मटेरियल लगा हुआ है, गेट्स वगैरह भी आप टच करेंगे जब आप ओपनिंग क्लोजिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में बड़ा मतलब सॉलिड गाड़ी है। ओके, नेगेटिव्स की बात करें, कुछ कमियां लगी आपको इस गाड़ी में? एक दो मुझे कमी लगी इसमें, जैसे एक तो थाई स्पेस इसमें थोड़ा कम है, थाई सपोर्ट, और सेकेंडली मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे HTK+ वेरिएंट है ये, तो ये ऑटोमेटिक की मैं बात करूँ तो ये सेकंड टॉप वेरिएंट है, तो जैसे इसमें जो रियर सीट्स हैं उनमें 60-40 का रेशो मिलना चाहिए था, वो नहीं है, और LED लैंप्स वैसे होने चाहिए वैसे इतने बड़े सेगमेंट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, वो ये दो चीज़ें मुझे इसमें कम लगती हैं। ओवरऑल आप गाड़ी से सेटिस्फाइड है? आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। तो जो लोग देख रहे हैं और जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है गाड़ी इन गाड़ियों में, इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में, तो आप उनको रिकमेंड करना चाहोगे? बिल्कुल, अभी आज के जो टाइम है, अभी जो ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, तो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और फ्यूचर में तो चलो नए ऑप्शन आते रहेंगे, वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट नाउएडेज इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ओके, तो ये था किया सोनेट DCT का एक ओवरऑल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस जो कि हमारे साथ शेयर किया राजेंद्र जी ने। सो वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अवर चैनल। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।